सुमित, क्या हुआ? तू इतना सैड क्यों लग रहा है? हार कर आया क्या? हे महाराज जी, रे टाबर हार चुकी है तो इमे माँ बाप ने उदास होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं अब क्या क्या हुआ वेद? मुझसे गुस्से है क्या? अच्छा ये बता तारा, तारी प्रतियोगिता कैसी रही? अच्छी रही? दे हद ही हो गई रे महाराज राम जी, ऐसे मौके पर टाबर ने संभालने के बजाय खुद ही टाबर बन बैठे हो। वेद तू सकुल के बारे में ना सोच। रे मैं बताऊं थारे को, तू बड़ा हो करके ना अपने पापा जी सा बढ़िया हलवाई बनेगा। रे थारे पापा जी से जलेबी और गुलाब जामुन ना पूरे पुष्कर में कोई को नहीं बना सके। हाँ ए जलेबी वाले, तू कुछ भी बन सकता था, तू हलवाई क्यों बना? बैठ तेरा ये ले हलवाई है, ले खा ले। मुझे नहीं करना था दे। अब क्यों? क्या हो बेटा? वेद खाओ ना। ताऊ जी, अगर वेद ये जलेबियां नहीं खा रहा तो मैं खा लूं? दादी खा लूं? ना मुझे नहीं खाना पापा। अच्छा ठीक है मत खा, लेकिन थारी ये कहाँ गई? हंसी कहाँ है? मुझे सब पता है कहाँ है, पता कहाँ है? यहाँ पे मिल गई चल दुकान पे चलते हैं। हेलो जी, मैं वेद की टीचर बोल रही हूँ। आप? जी मैं वेद की मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? मैम एक्चुअली आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वेद हलवाई बना था। हाँ हाँ जी। तो कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, मैं उसे समझाने के लिए गई थी लेकिन वो भाग गया। इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं, आप प्लीज एक बार वेद को समझा लीजिएगा। देखिए एक्चुअली हम नहीं चाहते कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए और उसके मन को ठीक करें। जी मैं वेद को संभाल लूंगी और थैंक यू आपने मुझे फोन करके बता दिया। थैंक्स। थैंक यू मैम। अरे बैठे क्यों? अपने हाथों से लड्डू नहीं बनाएगा? आज तेरे पापा के पास ना बहुत काम है, हाथ नहीं बढ़ाएगा पापा का वो। तू अपने हाथ से बनाता है ना छोटे छोटे लड्डू। कितने डर्टी होती है, ऑयल लगा हुआ होता है, कभी स्मेल आती है। ये ले, तू भी बता दे। ये ले। पापा मुझे होमवर्क करने दो। अब बता क्या परेशानी है? कुछ नहीं मम्मा, चलिए अंदर चलते हैं। रुक, तुझे पता है वेद, दुनिया की हर माँ की आंखों में एक खास एंटीना लगा होता है जिससे वो अपने बच्चे के मन की बात उसका चेहरा देख के पहचान लेती है। तू अपने कॉम्पिटिशन में हार गया इसलिए परेशान है ना? मम्मा मैंने अपनी लाइन्स बहुत अच्छे से बोली थी लेकिन सब बच्चे हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि मैं एक हलवाई बना था इसलिए मैं हार गया। अगर मैं और कुछ बनता तो मैं नहीं हारता। और हलवाई बनने पर सब हंसे क्यों? सब लोग वहां कह रहे थे कि हलवाई बहुत गंदे होते हैं, उनके कपड़ों पे दाग लगे होते, हाथ मुंह पर तेल आटा
और भी बहुत सारी चीज लगे होते हैं। वेद बेटा, एक बार अपने पापा को देखो, इतनी मेहनत का काम कर, इतनी मेहनत का काम क्या सूट बूट पहन के हो सकता है? जात को बड़ा उसके काम करने की नीयत बनाती है, उसके कपड़े ने अब कोई किसान तो नहीं ना सूट पैंट पहन के खेती करने जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मम्मा, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा, वहाँ मेरी कितनी इंसल्ट हुई वो मैं ही जानता हूँ। मजाक उड़ाने वाले हमेशा सही हो, ये जरूरी तो नहीं ना वेद, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और हर काम की अपनी एक अहमियत होती है, हमें किसी भी काम को छोटी नजरों से नहीं देखना चाहिए वेद। अगर ऐसा है तो फिर वहां सब पापा के मजाक क्यों उड़ा रहे थे? आप तो कहते हो पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उनका नाम है, लेकिन आज मुझे पता चला पापा जो काम करते हैं वो बहुत बेकार काम है। हलवाई बनना अच्छी बात नहीं है, पता है मुझे ये सब जानकर कितना बुरा फील हो रहा है। जानती हूँ, तुझे पता है जब तेरे पापा से मेरी शादी हुई ना और मुझे पता चला कि सूरज जी हलवाई है, तो मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था, मैं तो सूरज जी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। सच मम्मा? फिर मैंने धीरे धीरे सूरज जी को जाना, तब मुझे महसूस हुआ कि सूरज जी एक हलवाई होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। आज तूने ही देखा ना वेद, कितने सारे सवाल थे लेकिन सबका जवाब एक ही था, सूरज जी, क्योंकि सूरज जी ने हमेशा दिल से रिश्तों की, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मुझे पता है उन्होंने 14 साल की उम्र से ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। आज तेरे अमली चाची, मोहित चाचू का घर बसाने वाले भी सूरज जी ही। इतना ही नहीं वेद, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद तेरे पापा सिंगापुर जाकर वर्ल्ड स्टॉप कुक बने। तूने दुकान में फोटो देखी है ना, पापा की वो फोटो जिसमें उन्होंने टोपी पहनी हुई है, वो वर्ल्ड स्टॉप कुक की ही है। सूरज जी ने पूरे राठी परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। सूरज जी ने आज वो घर दिखाया है जिससे इनसे काम से जुड़ा हर इंसान प्रकार कर सकता है। सभी हलवाइयों के लिए सूरज जी एक आइडियल है। सूरज जी ने यह साबित कर दिखाया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अभी भी तुझे सब कुछ नहीं पता चला है। आज अगर मैं IPS ऑफिसर बन पाई ना वेद, तो वो सिर्फ सूरज जी की वजह से। अगर ये मेरा साथ नहीं देते मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। अब आया कुछ समझ? थारे और थारे लाडले के चेहरे पर हंसी आ गई ना, अब तो थारे गले से निवाला उतरेगा ना। ओ,
बहुत तेज से भूख लगी है, कुछ खाने को है? हाँ, नाश्ता तैयार है। आला अच्छा आज अभी बैठ बेटा। संतोष मारे को भी दे दे। और हाँ, मिश्री और परी ने भी बुला ले, उन लोगों ने भी भूख लगी होगी। ले जी। बाप बेटे जान है एक दूजे की, इस प्यारे से रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।